हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में गाइज मैं आपको वैद्यनाथ ब्रांड के कंठ सुधारक वटी के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये औषधि आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस, बैद्यनाथ ब्रांड के बारे में आपने सुना ही होगा। ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में इनके प्रोडक्टों की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। ये गाइस अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है जो कि केमिकल फ्री होते हैं, उस वजह से इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण लोग बाग बिना किसी कन्फ्यूजन के इनके प्रोडक्टों को परचेज कर लेते हैं। ये गाइस न केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है बल्कि आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्टों का भी निर्माण करता है। काफ़ी डिमांडेबल ब्रांड है, आधे से ज़्यादा मार्केट इसने अपने प्रोडक्टों से घेरा हुआ है। इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको इस ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू भी किया है, तो आज अपन इसी ब्रांड की कंठ सुधारक वटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से फायदा देती है। कंठ सुधारक वटी प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बनाई गई एक हर्बल औषधि है, हर्बल मेडिसिन है, जिसको बैद्यनाथ ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ये औषधि गाइस आपको मार्केट में टैबलेट फॉर्म में मिलती है, जिसका उपयोग आपके गले की खराश, जलन, सूजन, उसको दूर करने और आपकी गले की जो भी आपकी खराश है और आपका कंठ सुधारने में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। सर्दी, खांसी, गले में सूजन, मुँह में छाले या फिर टॉन्सिल और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है जो आपके गले की खराश, मुंह की बदबू, इन सब को दूर करने में काम में आती है। इसके अंदर गए जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं वो सारे औषधि तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। इसके अंदर गए अजवाइन, सेकरीन, जावित्री, लवंग, इलायची, कपूर, मुलायथी, ये सारी चीज़ गए इसके अंदर बराबर मात्रा में मिली होती है, जो आपके कंठ सुधारने में या फिर आपके गले की खराश को ख़त्म करने में, खांसी सर्दी जैसी समस्या को जड़ से ख़त्म करने में काम में ली जाती है। गाइस अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या पहले से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस औषधि को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपको किसी प्रकार का घातक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि कई से बहुत सारी औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट दे सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ये जो औषधि होती है गाइस, वो आपके गले को ठंडक देती है। बहुत से लोगों को कफ की समस्या रहती है, हमेशा कफ आता है, तो उन लोगों का इसका सेवन नियमित रूप से करने से आपके कफ आना धीरे धीरे कम हो जाता है और वो गले से धीरे धीरे निकल जाता है। सर्दी खांसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खांसी होने पर कंठ सुधारक वटी से जल्दी आराम मिलता है। इस औषधि को गाइस आप ले सकते हैं, कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम। ये गोली गाइस चूसने की होती है, इसको आप मुंह में रख करके धीरे धीरे इसको चूसते हैं, तो आपका नियमित सेवन करने से आपके मुंह में से जो दुर्गंध आती है वो पूरी तरीके से कम होती है। टॉन्सिल, मुंह के छाले, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। यह आपके मुंह को ठंडक प्रदान करती है, जिसके कारण आपके टॉन्सिल, गले में सूजन, गले की खराश, ये सारी समस्याएँ पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाती है। वैसे तो गाइस रिसर्च के आधार पर इस औषधि के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं बताए गए हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का इस औषधि को लेने पर कोई भी साइड इफेक्ट होता है, तो इसी टाइम इस औषधि को लेना बंद कर दें और डॉक्टर के पास सलाह के लिए जरूर जाएं कि आपको इसी औषधि से दिक्कत आ रही है या फिर किसी अन्य औषधि से। प्राइस भी अफोर्डेबल है गाइस, इजीली तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप पर जाकर इसको खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बैद्यनाथ की साइट पे जाकर, बैद्यनाथ की साइट पे ये इजीली तरीके से मिल जाती है। इस गोली को गाइस पानी के साथ निगलना नहीं है, इस गोली को आपको चूसना है, धीरे धीरे करके इसको चूसना है, जिससे आपकी सर्दी, खांसी, गले में सूजन, मुँह के छाले, टॉन्सिल और मुँह की बदबू, ये सारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए निकल जाएगी। अगर आपके हमेशा कफ रहता है तो कफ की समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी।
सो गाइस, आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस, अगर आपको इस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, गले की खराश, जुकाम, खांसी, कफ जैसी समस्या को खत्म करने के लिए ये औषधि लेके आइए। धन्यवाद।